हेलो फ्रेंड्स, 15 अगस्त के लिए स्पेशली आज हम बनाने वाले हैं तिरंगा इडली, जिसमें हम बिल्कुल ही किसी भी आर्टिफिशियल कलर का यूज़ नहीं करने वाले हैं। 15 अगस्त है तो इसीलिए आज हम स्पेशली वेजिटेबल से ही हेल्दी वाली इडली घर पे ही बनाएंगे। तो आप इस तरह की इडली बना के घर पे ही अपनी 15 अगस्त सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ सबसे पहले इडली या डोसा का जो बैटर आता है वो ले लिया है। तो इस तरह का बैटर कैसे बनाना है उसका वीडियो आपको मेरी चैनल पे मिल जाएगा और मैं इस वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। नमक ऐड कर देंगे स्वाद अनुसार। तो यहाँ पे जब भी हम बैटर तैयार करेंगे तब उसमें हम नमक नहीं डालेंगे, जब इसका इस्तेमाल करना है तभी हमें नमक डालना है। नमक डाल के बैटर को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो इस बैटर को हमें 3 पार्ट में डिवाइड करना है और उसी में से हम अलग अलग कलर की इडली तैयार करेंगे। तो सबसे पहले 2 से 3 बड़े चम्मच हम बैटर ले लेंगे। उस बैटर का सबसे पहले हम ऑरेंज कलर तैयार करेंगे। ऑरेंज कलर तैयार करने के लिए यहाँ पे मैंने कैरेट का यूज़ किया है। छोटे छोटे टुकड़ों में इसे कट कर लेंगे। अब हमें इसे मिक्सी जार में क्रश कर लेना है। तो इसी तरह से हमारा जो ऑरेंज वाला बैटर है वो तैयार हो गया है। इसे एक बर्तन में हम ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब हम बनाएंगे ग्रीन वाला बैटर। तो वापस से हम 2 से 3 चम्मच जो हमारा बैटर है उसे ले लेंगे। और ग्रीन कलर बनाने के लिए यहाँ पे मैंने धनिया का यूज़ किया है। धनिया से ग्रीन कलर आ जाएगा और जो इडली का टेस्ट है उसमें बिल्कुल भी चेंज नहीं आएगा। तो ग्रीन कलर हमारा तैयार हो चुका है, उसे भी एक बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो हमारा जो तिरंगे का 3 कलर है वो यहाँ पर तैयार हो गया है, ऑरेंज, वाइट और ग्रीन कलर। अब इसमें हम बेकिंग सोडा ऐड कर देते हैं। तो मैंने यहाँ पे 2-2 पिंच जितने बेकिंग सोडा लिए हैं। ज़्यादा बेकिंग सोडा हमें नहीं डालना है। बेकिंग सोडा डालने के बाद एक ही डायरेक्शन में तीनों मिक्सचर को हम मिक्स कर लेंगे। तो जब भी आप मिक्सचर को मिक्स करें तब जो भी स्पून का यूज़ कर रहे हैं आप वो अलग अलग ही यूज़ कीजिए, अदरवाइज़ आपका जो बैटर है वो मिक्स हो जाएगा। तो हमारा बैटर तैयार हो चुका है, अब हम इसे स्टीम कर लेते हैं। तो स्टीम करने के लिए मैंने ऑलरेडी स्टीमर रख दिया है। तो सबसे पहले हमारी जो इडली की प्लेट है उसे हम ऑयल से ग्रीस कर लेते हैं ताकि जब हम इडली को अनमोल्ड करें तब आसानी से निकल जाए। और यहाँ पे मैंने तीनों कलर को एक साथ ही स्टीम किया है। अगर आप चाहे तो एक एक कलर को एक साथ स्टीम कर सकते हैं। सबसे पहले हम ऑरेंज कलर ले लेते हैं, उसके बाद वाइट और ग्रीन कलर। मैंने यहाँ पर जो लास्ट वाला इडली का मोल्ड है उसमें भी ग्रीन कलर ही ले लिया है। और इसी तरह से हम सारी इडली को स्टीम कर देंगे। तो इडली को हमें करीबन 15 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे स्टीम करना है। 15 मिनट में हमारी इडली अच्छे से स्टीम हो जाएगी। तो 15 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि हमारी इडली अच्छे से स्टीम हो गई है। इसे निकाल लेंगे और थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रख देंगे और उसके बाद इसे अनमोल्ड कर देंगे। तो हमारी तिरंगा इडली एकदम तैयार हो चुकी है। 15 अगस्त के दिन आप इस तरह की इडली बना के अपने 15 अगस्त को सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो आपको बिना फूड कलर के इस्तेमाल के ही जो इडली बनाई है वो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और रेसिपी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर।